हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कोबर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली से आउट की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको पब्लिक नोटिस में मोर पर क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ नंबर में आपको एंड सिक्स नंबर में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं, जो कि 24 फरवरी 2022 को अपलोड की गई हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह की फाइल ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें दो वैकेंसीज हैं, अलग अलग तरीके की वैकेंसीज दी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी आउट की गई है, कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी आउट की गई है। एग्जाम्स नेम है दिल्ली हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस HJS एग्जाम 2022 के लिए है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसी है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 6 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 45 है, जिसमें से आपकी 3 वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो LLB के साथ में 7 ईयर का एक्सपीरियंस एज एडवोकेट प्रैक्टिस में मांगा गया है एंड मैक्सिमम 45 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं एंड एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहां पर फॉलो होगी एंड सैलरी लेवल 13A की मिलने वाली है, जो कि 1,31,100 से लेकर 2,16,600 है। अनदर एग्जामिनेशन नेम दिल्ली हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का है। यहाँ पर जनरल में 86 वैकेंसी है, SC में 8 है, ST के लिए 29 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 123 है, जिसमें से आपकी 10 पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर LLB मांगी गई है, साथ ही एज एडवोकेट प्रैक्टिस में आपको होना चाहिए। मैक्सिमम 32 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी एंड लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 मार्च 2022 है। अप्लाई फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 है एंड अप्लाई मोड यहां पर ऑनलाइन है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको सीरियल नंबर 1 में अप्लाई ऑनलाइन दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 की यहां पर एक नोटिस लिस्ट मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहां पर लिंक दी गई है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा एंड फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, आपको यस या नो में आंसर करके उसको फिल करना है, देन सबमिट करना है, देन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। IAS के सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन लिया जाएगा, देन मेंस लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। प्री यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा एंड प्री एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा प्रत्येक रॉन्ग आंसर देने पर एंड मेंस में आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला वो रिटर्न टाइप के टेस्ट लिए जाएंगे एंड देन आपका सिलेक्शन वाइवा बॉयज के लिए किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन संडे को होना है, जो कि 27 मार्च 2022 को डिक्लेयर किया गया है। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में एग्जाम होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग
55 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 60% है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% रहने वाला है। एंड इंटरव्यू 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40% मार्क्स प्रत्येक सेक्शन में सिक्योर करना ज़रूरी है। एंड रिटन एंड इंटरव्यू दोनों को मिला करके या सभी सेक्शंस को मिलाकर 50% एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। इंटरव्यू यहाँ पर 150 मार्क्स का रहने वाला है जनरल कैटेगरी को। ईच रिटन एग्जामिनेशन के पेपर में 40% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है, जबकि एग्रीगेट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के लिए ईच रिटन एग्जामिनेशन में 35% एंड एग्रीगेट में आपका 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस प्री के लिए देख लेते हैं, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा एंड यहाँ पर 2.5 आवर्स के समय दिया जाएगा एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लेयर इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, कवरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन पेनल कोड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द एब्रीविएशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द लिमिटेशन एक्ट 1963 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एंड द कॉमर्शियल काउंट द प्रोटेक्शन ऑफ Children from Sexual Offences Act 2012 and the Commercial Courts Act 2015 भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि इस तरह से आपके यहाँ पे सिलेबस से क्वेश्चन प्री के लिए पूछे जाएंगे। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। एंड मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न मेंस का देख लेते हैं। यहाँ पर 4 सेक्शन में आपका एग्जाम डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में जनरल लीगल नॉलेज से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन का टेस्ट लिया जाएगा एंड जिसमें फर्स्ट सेक्शन में ही लैंग्वेज, एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रिसाइज राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सेक्शन सेकंड में सिविल लॉ फर्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, हिंदू लॉ, मोहम्मदीन लॉ, द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, लॉ ऑफ टॉर्ट, द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट 1994, द दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 एंड द कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि सेक्शन थर्ड में आपके सिविल लॉ सेकंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द इंडियन एविडेंस एक्ट The Indian Evidence Act 1872, The Limitations Act 1963, The Registration Act 1908, The Abbreviation and the Cancellation Act 1996, The Trademark Act 1999 and the Copyright Act 1957 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि सेक्शन 4 में क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन पेनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडल्सल एक्ट 2013, द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इस तरह से सभी सेक्शन को मिलाकर ग्रांड टोटल 850 आपका बनेगा, 850 मार्क्स मैक्सिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।